हेलो, जीएसटी में आज हम लोग जो टॉपिक लाए हैं आपके लिए, ये बहुत ही खुशखबरी है और जीएसटी में बहुत बड़ी राहत मिली है। न्यू जीएसटी रिटर्न में जो आप अपलोड करेंगे इनवॉइस, उसे आपके पास ऑप्शन होगा सप्लायर को एडिट करने का, जो कि अभी तक जो हमारा पुराना मेथड था GSTR 1 या 3B, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता था। तो ये बहुत ही खुशखबरी और राहत की बात है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए, एंड तक मिस मत करिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और पूरा लॉ आपको समझ में आ जाए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल रिटर्न का इंस्ट्रक्शन है, जिसमें इन्होंने कहा है एडिट अमेंडमेंट ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। क्या प्रोविजन है, क्या रूल है डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने का? इन्होंने कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अगले महीने का जो फॉलोइंग मंथ होगा उसके 10 तारीख तक डिटेल को आप अमेंड कर सकते हो। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि सप्लायर तभी कर सकता है, एडिट कर सकता है, अगर उस डॉक्यूमेंट को रेसिपिएंट एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ जी, हम लोग सब जानते हैं कि जो अब जो रिटर्न का सिस्टम आ रहा है, जो ANX 1 जब अपलोड किया जाएगा सप्लायर के थ्रू, तो वहां पे ANX 2 जो आपके सामने आएगा, वहां पे आपको इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग में रखने की फैसिलिटी रेसिपिएंट को दी जा रही है। तो यहाँ पे अगर रेसिपिएंट ने उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया तो उस इनवॉइस को एडिट नहीं किया जा सकता है, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। अब क्या करना है इसमें, आइए हम इसमें दो सेनेरियोज हो सकता है, दो रीजन हो सकता है इसमें क्या क्या करने का, कि कैसे एडिट किया जा सकता है। एक बार लॉ की लैंग्वेज हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अप टू द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ मे बी एडिटेड बाय द सप्लायर अप टू द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ ओनली इफ सच डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट। सप्लायर कर सकता है एडिट, लेकिन वो इनवॉइस, वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया गया वो रेसिपिएंट के थ्रू। इफ अ डॉक्यूमेंट हैज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड अप टू द 10th बाय द रेसिपिएंट, देन सच डॉक्यूमेंट हैज टू बी रीसेट अनलॉक्ड बाय द रेसिपिएंट एंड ओनली देन इट कैन बी एडिटेड बाय द सप्लायर अप टू 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग टू सिनेरियोज में अराइज। अब अगर सपोज करिए कि अगर एक तो पहला कंडीशन इन्होंने कहा कि अगर रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है तभी सप्लायर उसे एडिट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर लिया और उसमें कोई मिस्टेक है तो सप्लायर उसे कैसे एडिट करेगा। अगर रेसिपिएंट ने उस इनवॉइस को, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो रेसिपिएंट के पास ऑप्शन होता है उसे अनलॉक्ड या रीसेट करने का। जब रेसिपिएंट उसे अनलॉक या रीसेट कर देगा तो फिर यहां से सप्लायर उसे कर सकता है एडिट। अब जो दो सेनेरीज होगा उसका क्या है, पहला केस देखते हैं। द रेसिपिएंट फाइल्स हिज रिटर्न ऑन मंथली बेसिस ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय एंड सप्लायर। अगर रेसिपिएंट जो रिसीवर है सब सर्विस का या गुड्स का, या गुड्स या सर्विस दोनों का, वो अगर रिटर्न अपना मंथली बेस पे फाइल करता है ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय एनी सप्लायर, को जो सप्लायर है वो अपना सारा इनवॉइस अपलोड करेगा रिटर्न पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द सप्लायर फाइल्स इज रिटर्न ऑन मंथली और क्वार्टरली, जो भी उसका है सप्लायर का रिटर्न है उस बेसिस पे, शैल बी अवेलेबल फॉर एक्सेप्टेंट बाय सच रेसिपिएंट अप टू 10th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ फॉर व्हिच द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड। सप्लायर अपना रिटर्न जब फाइल करेगा तब जाके रेसिपिएंट को ऑप्शन आता है उसे एक्सेप्ट करने का या पेंडिंग रखने का, कब तक, 10 तारीख का। अब क्या होता है
कि द सप्लायर कैन एडिट द डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट ओनली इफ द सेम आर रीसेट अनलॉक्ड बाय द रेसिपिएंट बाय द सेट डेट। अब इस केस में 10 तारीख तक अगर चाहे तो सप्लायर उस बिल को मिस्टेक है या कुछ छूट गया है तो उसे एडिट कर सकता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर गया रेसिपिएंट के थ्रू तो उसे रेसिपिएंट ही एक बार फिर से उसको रीसेट या अनलॉक्ड करेगा, तब जाकर के सप्लायर उसे फिर से रीसेट कर सकता है, यानी सॉरी एडिट कर सकता है। सेकेंड केस होता है क्या है कि रेसिपिएंट अपना रिटर्न क्वार्टरली फाइल करता है, नॉर्मल, सहज या सुगम। जब वो क्वार्टरली बेसिस पे करता है तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय एनी सप्लायर, कोई सप्लायर क्या करेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, चाहे सप्लायर अपना मंथली करता हो या क्वार्टरली करता, तब जा करके जब वो बंदा, कौन बंदा, सप्लायर, जब सप्लायर अपलोड करेगा अपना रिटर्न, तब जा करके एनएक्स 2 यहाँ अवेलेबल होगा रेसिपिएंट के पोर्टल पे एक्सेप्ट करने के लिए 10 तारीख तक। अब रिटर्न जो होगा, जब सप्लायर चाहता है एडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, कब तक कर सकता है, 10 तारीख तक कहते हैं, उस क्वार्टर एंड का जो 10 तारीख होगा तब तक। लेकिन इस केस में भी अगर एक्सेप्टेंस कर लिया गया रेसिपिएंट के थ्रू तो रेसिपिएंट फिर उसको क्या करेगा, अनलॉक करेगा या रीसेट करेगा, उसके बाद ही फिर से एडिट कर सकता है सप्लायर को। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने सी पॉइंट में कहा है कि सप्लायर साइड अमेंडमेंट, किसी भी इनवॉइस को अमेंड करने की जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर के पास होगा, रिसिपिएंट सिर्फ उसको रीसेट या अनलॉक कर सकता है, वो भी उस केस में जिस केस में वो एक्सेप्ट कर लिया है बिल को। एडिट अमेंडमेंट आफ्टर 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, जो एडिट और अमेंडमेंट होगा वो रिटर्न का अगला जो 10 तारीख का महीना होगा उसमें होगा। Details of the documents uploaded by the supplier up to the 10th of the month following the month or quarter for which the return is being filed for will be auto-populated and made available to the recipient in form GST ANX 2 to accept, reject or keep the document pending. जो रिटर्न क्वार्टरली या मंथली सप्लायर अपना अपलोड करेगा ANX 1, तो वही जब वो अपलोड करेगा तो ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न रेसिपिएंट के जो पोर्टल होगा उस पे जीएसटी एनएक्स 2 में आ जाएगा और वहां पे राइट होगा इसका रेसिपिएंट का एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का या उस डॉक्यूमेंट्स को पेंडिंग में रखने का। अब सवाल आगे आता है कि एक्सेप्ट, रिजेक्शन या पेंडिंग में रखने का जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके थ्रू होगा, जीएसटी एनएक्स 2 के थ्रू रेफर किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और कीप्ड पेंडिंग बाय द रेसिपिएंट मे बी रेफर्ड टू इन द इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म जीएसटी एनएक्स 2। डॉक्यूमेंट्स जो रिजेक्टेड होगा रेसिपिएंट के बाद रेसिपिएंट के बिहाफ पे, उसका इंफॉर्मेशन कब आएगा सप्लायर के पास, जब रिटर्न रेसिपिएंट अपना फाइल करेगा तब। रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो होगा, पॉइंट नंबर 6 ये कहते हैं, द रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स मे बी एडिटेड बिफोर फाइलिंग एनी सब्सिक्वेंट रिटर्न फॉर एनी मंथ और क्वार्टर बाय द सप्लायर। जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिस इनवॉइस को उसे भी एडिट किया जा सकता है, लेकिन कब, सप्लायर के थ्रू अगला जो भी सब्सिक्वेंट रिटर्न होगा चाहे मंथली या क्वार्टरली, किसी भी महीना या क्वार्टर का, उससे पहले। उसी केस में क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सो एडिटेड और अपलोडेड शैल बी मेड अवेलेबल थ्रू द नेक्स्ट ओपन फॉर्म जीएसटी एनएक्स 2। अब जिस बार फॉर द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट को कब फायदा होगा, सपोज करिए अगर कोई मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है, जुलाई का रिटर्न उसने फाइल किया, वहां पे उसने रिटर्न को जो बिल था एनएक्स 2 सप्लायर एंड रिटर्न फाइल किया एनएक्स 1
ऑटो पॉपुलेटेड एनएक्स 2 आ जाएगा रेसिपिएंट के पास। रेसिपिएंट ने क्या किया, वहां पे बिल को रिजेक्ट कर दिया। जो रिजेक्ट कर दिया उसका नोटिस आ गया किसके पास, सप्लायर के पास। सप्लायर जब अब अगस्त का रिटर्न फाइल करेगा सितंबर में, उससे पहले उसको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा इसको। अब जब ये रेसिपिएंट जो है इसका आईटीसी कब लेगा, अगस्त में जब वो रिटर्न अपलोड होगा वो रिजेक्ट वाला, तब। ये नहीं कि अभी ही ले जाएगा, यानी जिस समय एनएक्स 2 में जनरेट होकर के आएगा। However, the liability for such edited documents will be accounted for in the tax period in which the documents have been uploaded by the supplier. अब उसकी tax liability भी याद रखिएगा, recipient तो ITC भी लेगा उसी समय जब उसको मिलेगा, credit तब लेगा जब जिस महीने में ANX 1 सही करके आएगा और ANX 2 में इसे दिखेगा। और सप्लायर के एंड पे भी उस इनवॉइस का जो टैक्स लायबिलिटी है वो तब होगा जब यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, यानी कि जिस महीना में वो रिजेक्टेड इनवॉइस को सही किया जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ केस में क्या होता है कि आपने टेबल गलत कर दिया, डालना था इस टेबल में डाल दिया इस टेबल में, तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या है, इसको एक बार हम रीड करते हैं। In certain situations, the particulars of the document may be correct, but the document has been reported in the wrong table. अगर wrong table में गलत detail दिया गया है, यानी कि कोई detail जाना था table number 3A में चला गया 3B में, 3J का table document 3L में चला गया, उस case में अगर wrong table select किया गया है, तो उसे सही किया जा सकता है। Therefore, when such documents are rejected by the recipient, instead of amending the documents, a facility of shifting such documents to the appropriate table will be provided. अब क्या होगा, जब document को recipient amending के जगह पे reject करेगा, तो उस समय एक facility shifting का, यानी कि invoice को सही table में shift करने का option दिया जाए। Amendment of documents relating to supplies made to persons other than persons filing return in form GST RET 123, यानी कि supplies made to composition taxpayer IST UIN holders etc. इनके लिए क्या ये कर रहे हैं कि क्या होगा, इनमें क्या amendment करता है composition case में। The document relating to such supplies may be amended by the supplier at any time and the same shall not be dependent upon the action taken by the recipient. कहता है composition IST UIN holder के case में supplier कभी भी invoice को amend कर सकता है, और वहां पे ये case खत्म है। ये situation नहीं है कि recipient उसको जब एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या पेंडिंग करेगा, वहां पे ये फैसिलिटी नहीं है। और बिना इस सिचुएशन के किए भी सप्लायर एनी टाइम अपने रिटर्न का जो वो करेक्शन है, एडिशन है, वो एडिट कर सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ही खुशखबरी है अपने लिए, जीएसटी के लिए, व्यापारियों के लिए, कि अभी तक जो गलत हो जाता था उसे हम नहीं ठीक करते थे, लेकिन अब नए रिटर्न में अगर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। रेगुलर डीलर के केस में रेसिपिएंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आप कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो एक जनरल थंब रूल याद रखिए कि वहां से कहिए कि भैया रेसिपिएंट को कि तू रीसेट या अनलॉक कर दे, और फिर आप कर दीजिएगा। दूसरा रिपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो ठीक होके जाएगा, अगर कोई रिजेक्टेड हो जाता है बिल, तो सप्लायर जब उसको ठीक करके एनएक्स 1 में डालेगा, तभी जाके सप्लायर को टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी मिलेगी, और उसी महीने के रिटर्न में एनएक्स 2 में ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जाएगा, जिससे रेसिपिएंट अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है,
कि कंपोजिशन वगैरह वालों के लिए सप्लायर कभी भी उसके पास टाइम है क्वार्टर का या मंथ का, वो खुद से एडिट कर सकता है और उस केस में रेसिपिएंट के पास एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन या कीप डिफॉल्ट में रखने के ऑप्शन नहीं दिए गए। और डेट आपको ध्यान रखना है 10th है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, न्यू रिटर्न के लिए है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके। और रिटर्न भरने से पहले आई होप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक रिटर्न लाइव होगा हम लोग उस पर जाएंगे, हम हर एक पॉइंट को क्लियर कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, बाय बाय।